हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी के इस एपिसोड में हम आपको एक क्लासिक कॉकटेल बनाना सिखाएंगे जो है मैनहट्टन। मैनहट्टन बनाने के लिए हम लोग एक मार्टिनी टाइप ग्लास ले लेंगे, हमारा मिक्सिंग ग्लास ले लेंगे। इसके लिए हमारे पास स्वीट वर्मुथ है, यहाँ हम बर्बन विस्की भी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्लेंडेड स्कॉच, टिपिकली राई विस्की यूज़ होनी चाहिए और कैनेडियन विस्की भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनहट्टन। मैनहट्टन एक कॉक्सी कॉकटेल है, इसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरी है, मैं आपको कुछ स्टोरी के बारे में बताता हूँ, साथ साथ हम लोग ड्रिंक भी बनाते रहेंगे। मैनहट्टन क्लब इन न्यूयॉर्क सिटी, 1870, डॉक्टर इयान मार्शल इन्वेंटेड दिस कॉकटेल फॉर द बैंक्वेट होस्टेड बाय अ मैन, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज नेम, जेनी जेरोम समथिंग लाइक दिस। सो ही इन्वेंटेड दिस कॉकटेल और वहाँ पे वो कॉकटेल काफ़ी पॉपुलर हुआ। बट एक स्टोरी के हिसाब से ये पाया जाता है कि जिस लेडी के लिए, मिस रुडोल्फ के लिए जो बैंक्वेट होस्ट किया गया था, वो उस वक्त वहाँ थी नहीं, वो फ्रांस में थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो इसको मिथ माना गया। उसके बाद हर्स्टन स्ट्रीट पे एक बार होता था, वहाँ पे एक बारटेंडर नाम था ब्लैक और लोग कहते हैं कि उसने एक कॉकटेल इन्वेंट करी। तो हमें अभी यह नहीं सोचना कि किसने इन्वेंट करी, कॉकटेल बहुत पॉपुलर है, कॉकटेल बहुत अच्छा है, वो सोचना भी ज़रूरी है। अगर आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि कैसे ये कॉकटेल बना, तो हाँ वो सब भी ज़रूरी है, बट अभी फोकस करते हैं कि मैनहट्टन कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग ग्लास हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसको हम थोड़ा चिल कर लेते हैं। साइड बाय साइड हम लोग अपना कॉकटेल ग्लास भी चिल कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सिंग ग्लास चिल हो गया है, अब हम इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे। आइए, मैनहट्टन बनाने के लिए आपको 50 ml विस्की, 15 ml स्वीट वर्मुथ, आप चाहे तो 20 भी ले सकते हैं, मैं अपनी कॉकटेल्स में हमेशा 20 रखता हूँ, तो अभी यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। उसके बाद हमें अंगूस्त्रा बिटर डालना है, तो हम 2 dash अंगूस्त्रा बिटर डालेंगे। अब इन सबको हम स्टर करेंगे, इसे हम थोड़ा और आइस बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी कॉकटेल ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए। बहुत पहले कैनेडियन विस्की के साथ ये कॉकटेल सर्व होती थी काफ़ी सारे अमेरिकन बार्स में, बट धीरे धीरे लोगों ने इसमें ब्लेंडेड स्कॉच, टेनेसी विस्कीज, अदर राई विस्कीज और लाइक लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया। आई थिंक ये कॉकटेल हमारा अच्छे से स्टर हो चुका है, आइए टेस्ट करके देखते हैं। कॉकटेल बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, हमारा ग्लास यहाँ पे चिल है। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आप जब स्टर ड्रिंक डालते हैं ग्लास में तो ऊपर से मत डालिए, इस ड्रिंक को एयर मिलेगा, वो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू इनकॉर्पोरेट एनी एयर इन दिस ड्रिंक। सो आप जितना हो सके ग्लास के क्लोज रखिए और ड्रिंक को डालिए ताकि जो फील है, जो अरोमा है ड्रिंक का, वो वैसा ही रहे। हमारा मैनहट्टन रेडी हो चुका है। इस क्लासिक कॉकटेल के लिए हम एक क्लासिक गार्निश यूज करेंगे जो कि है चेरी। तो आइए दोस्तों पीते हैं मैनहट्टन। चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत है, मैं बेवरेज इनोवेशन मैनेजर हूं मॉनिन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी बहुत सारी कॉकटेल्स को जानने के लिए और सीखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।